इस तरीके का कुछ लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। ब्राउन कलर में आता है, एक ब्लैक कलर में आता है। इसका प्राइस 23,000 का है। एंड थोड़ा सा ये पेंट करने में प्रॉब्लम आएगा, देखो यहाँ पे गियर चेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देखो कुछ KYT के इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं। यहाँ पे जो एक है एडवेंचर हेलमेट है, ये वाली फ्लेक्सिबल है, ये सब बेंड नहीं कर सकते। अच्छा, ये बेंड ही नहीं होगा। सो ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टुडे वी आर एट 6K IOM। तो यहाँ पे हम लोग MG रोड के पास में आ चुके हैं। बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग गया मेरे को पहुँचने में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के रोड पे ही है, यहाँ पे क्रॉस करके देन उसके बाद में ये स्टोर पड़ता है। अभी यहाँ पे सीन ये है कि आज मैच है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड मैं ट्राई किया था कि थोड़ा 3 बजे से पहले पहुँचाऊँ, बट एनीवेज संडे है, स्टोर ओपन रहता है। संडे को भी कभी आना चाहो तो आ सकते हो। आज का अपना मेन वीडियो होने वाला है बेसिकली राइडिंग बूट्स जो है वो सेलेक्ट करने का, और भी देखेंगे अगर कोई चीज़ मिलती है अच्छी। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं उमलिंगरा राइड कर रहा हूँ मई एंड में, तो उसके लिए फुल रेडी है। हम लोग अपनी पूरी शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी है कम से कम नहीं 1 लाख रुपये खर्च हो चुका है अभी तक। इट्स वेरी यूनिक KTM, जिसमें बहुत ही प्यारे से ग्राफिक्स किए हुए, मतलब मेरे को देख के पहले ही पसंद आ गई, काफ़ी अच्छा किया हुआ है। एंड दिस वन इज़ हैविंग ऑल द दिस वन इज़ डिनाली और दिस इज़ अल्फा। ओके, तो काफ़ी अच्छा है, फुल्ली लोडेड कर रखी है। एंड इनका यहाँ पे ब्रांडिंग भी है, यहाँ पे आई एम ए हाइपर राइडर और 600 माइल्स टू आइल ऑफ मैन, ये मतलब इनका जो साइट है, ऑनलाइन आप लोग सर्च कर सकते हो। एक मैंने अभी ये पहन के देखा, तो इसका जो क्वालिटी है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इट इज़ हैविंग द एंकल सपोर्ट ऑल्सो। तो इसका जो प्राइस है, इट इज़ समवेयर अराउंड 23,000 जो कि। एंड बाकी जब मैंने पहन के इसको ट्राई किया वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ी देर में। एंड उसके अलावा बाकी भी कई सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। फैल्को का ये भी बूट्स है, एडवेंचर, ये कुछ मोटोक्रॉस वाला रहता है, ये वाला जो दिखा रहे हैं इसका देखो, थोड़ा सा लाइट कम है यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ सर, थोड़ा सा डेली मतलब राइडिंग के लिए भी हो जाए। एंड जो उमलिंगला अपन एडवेंचर राइड कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत अपने को ट्रैक भी करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब से भी हो जाए। तो ये भी एक बूट्स है, दिस वन इज़ अराउंड 18,000। प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ओनली थिंग इज़ कि जब मैंने ये एंकल सपोर्ट वाला जो ये बूट है ये मैंने ट्राई किया, इसका भी मैं आप लोगों का नाम डाल दूंगा वीडियो में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो इसका जो प्रॉब्लम ये पड़ रहा है कि जब आप गियर चेंज करना चाह रहे हो तो ये काफ़ी स्टिफ पार्ट है, बेसिकली बना एडवेंचर के लिए है, तो आप इसको बेंड करके देन उसके बाद में आप लोगों को गियर जब चेंज करना पड़ेगा ना, उस टाइम पे प्रॉब्लम आएगा। एंड मैं अभी पहन के ट्राई करता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। एंड दीज आर द टू बूट्स विच आई एम ट्राइंग, ये वाला पहन के दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी आप लोगों को बूट्स ये वाले पहनने हैं, तो थोड़ा सा लूज़ कर लो यहाँ पे, देन ये वाला जो है इस तरीके से जाएगा यहाँ पे हुक में, और जाके इस तरीके से राइट हो जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे हो गया, एंड ये आपका ऐसा बंद गया। ओके, द सेम वे ऑन द अदर साइड। यहाँ पे अगर आप जाते हो तो इसको भी पहनने के लिए सेम फंडा है। सॉरी, ये खोलना भूल गया। तो ये देखो, थोड़ा सा लाइट यहाँ पे आएगी, देखो इसको यहाँ पे पहनेंगे इस तरीके से। इसका एक फ़ायदा अच्छा ये है कि आप लोग आराम से क्लिप कर सकते, देखो बहुत ही सही है, ऊपर से वेलक्रो हो गया। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग। थोड़ा सा लाइट में जाके दिखाते हैं, यहाँ पे देखो इस तरीके का कुछ लग रहा है, बहुत ही अच्छा है। ब्राउन कलर में आता है, एक ब्लैक कलर में आता है। इसका प्राइस 23,000 का है। एंड अब इसका जो प्रॉब्लम मैं बता रहा था वो ये है कि अगर आप यहाँ पे बाइक पे चलाते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा ये बेंड करने में प्रॉब्लम आएगा। देखो यहाँ पे गियर चेंज करने में प्रॉब्लम आ रहा है। अब एग्जैक्टली मैं बाइक नहीं लेके आया, आज मैं स्कूटी से आया हूँ, तो सेम चीज़ ट्राई नहीं कर सकता, बट आई कैन प्रिटी श्योर टेल दैट कि यहाँ पे जो गियर है उसको चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा वाला ट्राई करते हैं। ये वाले बूट्स का थोड़ा सा जीतू भाई बताएंगे अपने को कि क्या क्या एडवांटेज है, एक तो इसका और ये जो दूसरा वाला जो आप सजेस्ट कर रहे हो ना ये वाला है एक दूसरा। इसमें एंकल सपोर्ट नहीं है, बट आई गेस जो गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम जो है वो चीज़ इससे रिजॉल्व हो जाएगा। तो इसका आपने कितना प्राइस बताया था? 23,950। ओके, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 24,000। एंड जो इसका प्राइस है 21,250। ओके, तो ये वाला भी अच्छा है वैसे, आई गेस सो। इसको भी ट्राई करके देखते हैं कैसा है। ये भी अच्छा है, कंफर्टेबल है। हाँ, ये भी कंफर्टेबल है आपको, ये आपको ये गियर शिफ्टिंग के लिए आपको आसानी रहेगा।
अच्छा, इसको कैसे बांधना है? उसका उसका जैसा लॉक नहीं है, ये क्लिप आएगा। इसका अलग है ना, थोड़ा सा अलग आएगा, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। एक वो शॉर्ट एंगल वाला भी दिखाओ, हो सकता है क्योंकि मेरे को अगर इसमें प्रॉब्लम हुआ उसमें नहीं होना चाहिए। शॉर्ट वाला तो कैसे भी कर, कुछ भी इशू नहीं आएगा। इसमें भी नहीं आएगा एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा ऊपर तक ये सपोर्ट रहता है ना, तो बेटर ही रहता है, प्रोटेक्टर रहता है। और वो सीन प्रोटेक्ट नहीं रहेगा बेसिकली, आपको सीन प्रोटेक्ट नहीं है तो आपको नई गार्ड यूज करना। ओ अच्छा, हाँ वो तो है, क्योंकि इसके साथ आप नई गार्ड यूज नहीं कर पाएगा, सिर्फ नई प्रोटेक्ट यूज कर पाएगा। या तो जींस में वैसे छोटे वाला डाल दो, जैसे क्या आता है ना जींस का, बोले तो हमारे पास एक है आरएस टाइप का, वो सिर्फ नई प्रोटेक्ट करता है। ओ नई का लेवल 2 प्रोटेक्टर, तो वो आप यूज कर सकते हो। थोड़ा सा जंप वंप करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब पहाड़ी में जाते हैं ना उस टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी साइड में चले गए रोड के, थोड़ा सा ऑफ रोडिंग करते हुए तब चलाना, और बाइक को कभी कभी दबा के खींचना, मतलब वो सारी चीज़ें आती हैं। बट दिस इज़ गुड यार, यहाँ पे भी पैडिंग दे रखी है, आराम से चुभेगा नहीं। और प्राइस जो है, मेरे को एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था TCX का, रॉयल एनफील्ड का जो आता है वो भी बाई कर सकते हो, दोज आर ऑल्सो गुड, बट यहाँ पे जल्दी अवेलेबल नहीं मिल रहे हैं। ये देखो अभी यहाँ पे जो है ये वाला बूट्स इस तरीके से है, ये इसका प्राइस है 21,250। तो क्वालिटी काफ़ी सही लगा मेरे को, एंड थोड़ा सा जंप भी कर रहे हैं ना तो भी मेरे को कम्फर्टेबल लग रहा है। और मैं पहन के देख लेता हूँ, तो थोड़ा सा सिर्फ ट्रायल के लिए आप देख लीजिए कौन सा इशू है, क्योंकि आपका बाइक के हिसाब से ये लूज भी नहीं रहना, थोड़ा भी लूज नहीं रहना। अच्छा, करना है एक बार। ओके, मैटोक में। अच्छा, वो उसमें मतलब इसमें कौन कौन सा है, स्पॉट है और एक डिफ्यूजिंग वाला है, है ना? ओके, देखो जो अभी हम लोगों ने दोनों जो डिसाइड किए हैं, अब इस वाले को थोड़ा सा यहाँ पे रख के दिखाता हूँ। एक ये वाला पहना हुआ मैंने, एडवेंटूर करके आता है जो, इसमें जो मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को थोड़ा सा गियर शिफ्टिंग करने में, बट इसमें प्रोटेक्शन ज़्यादा है। एंड जो दूसरा वाला है ये जो 21,000 का पड़ रहा है मेरे को, इसमें एंकल सपोर्ट नहीं आता, बट ओनली थिंग इज कि आपका जो गियर चेंजिंग वाला है ना, वो चीज़ तो सेम ही पड़ रही है ऑलमोस्ट, क्योंकि ये देखो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा जो यहाँ पे बेंड है वो ज़्यादा हो जाता है इस वाले बूट्स में जो राइट साइड के पाँव में है, और जो लेफ्ट वाले में है इसमें थोड़ा सा बूट्स को बेंड करने में अब थोड़ा तो टाइम लगता है, बट अभी ब्रेक इन होने में भी टाइम लगेगा। मेरे को लगता है KTM से तो ज़्यादा है उसका बाहर है, और वैसे भी जब ADV चलाते हैं थोड़ा सा बूट्स ऐसे अंदर की ओर करके रखते हैं ना, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ, बट ये मतलब तब भी मतलब इसका जो है ना वो ज़्यादा बेटर फील हो रहा है उससे। हाँ, ये इसमें ज़्यादा है प्रोटेक्शन, है ना इसका प्रोटेक्शन ज़्यादा है, पास ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आपको अगर बेंड भी हुआ ऐसा तो ये से लेके पूरा कवर कर दिया, लेकिन वो थोड़ा तो यहाँ से बेंड होएगा मींस ये Okay. क्योंकि बाइक में मैक्सिमम वही होता है जब फॉल होता है तो ये बेंड हो गया तो गया पाँव, प्लस ये भी बेंड हो सकते हो, प्लस ये फ्लेक्सिबल होता है, ये आप ऐसा बेंड नहीं कर सकते। अच्छा, ये बेंड ही नहीं होगा, ये क्योंकि ये ज्यादा प्रोटेक्शन, तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसको दे दो मेरे को। कलर कौन सा सही है आपको? कलर ये वाला कौन सा मैं पहना, जो ब्राउन है ना, ये ब्राउन है ना? अच्छा, ब्लैक कौन सा? ब्लैक दिखा था, ब्लैक ही दे दो मेरे को, क्योंकि ये वाला बहुत सेंसिटिव एरिया रहता है, अगर हल्का सा भी हुआ वही तो प्रोटेक्शन वाइज तो यही बेटर है, धीरे धीरे तो आदत पड़ जाएगा। ये सब KYT में, बट विंड नॉइज ज्यादा है ना, कौन सा नहीं है अभी। अच्छा, ये कितने का प्राइस है? 35 ओके, 35 है। इसमें कुछ वो है क्या, मतलब कितना DB का नॉइस है? yes, वो कुछ नहीं। वो नहीं मेंशन होएगा ना, ठीक है। बाकी वाले में तो मेरा एक फ्रेंड शायद ऐसा ये, हाँ ये वाला यूज कर रहा था, ये मतलब कोई सा रेप्लिका डिजाइन आता है ना किसी का, ये अभी सेम ही है। ओके, इसका प्राइस कितना है? ये 7,200। ओके,
यहाँ पे देखो कुछ KYT के इम्पोर्टेड हेलमेट्स हैं। यहाँ पे जो एक है एडवेंचर हेलमेट है, ये वाले का प्राइस 27,000 है, 27-37 आई गेस एग्जैक्टली प्राइस में भूल गया, बट अच्छा है, मतलब काफी लाइट वेट है। इसमें क्या होता है, दो लोग आता है, एक स्पेसर दो आता है, एक छोटा है एक बड़ा आता है। ओके, जो फिट होता है वही फिट कर सकते हो। और ये वाला आईफोन 13 का केस है, हां पार्टिकुलर, तो ये तो इसमें वाइब्रेशन डैम्पिंग भी है। वाइब्रेशन डैम्पिंग आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अच्छा, वो कौन सा? ये वाला मॉड्यूल प्लस ये आपको लो प्लस ये आएगा आपको कवर। ओके, ऐसा आप तीन भी ले सकते हो, आपको अगर सही है पूरा बंडल भी ले सकते हो, लेकिन ओके एंटी वाइब्रेशन मॉड्यूल आपको सेपरेट लेना ही लेना। अच्छा, वो अलग एक बंडल में नहीं आता। बंडल में क्या क्या आता है? बंडल में आता है आपको ये दो चीजें, लो हाँ, और ये आपका फोन केस। तो इसका बंडल में कुछ प्राइस डिफरेंस पड़ता है, मतलब अगर बंडल में जैसे मेरे को आईफोन 13 का प्लस मेरे को मतलब ये देखो ये आईफोन 13 प्रो है, तो मतलब जैसे ये सेपरेट नहीं लेके मेरे को एक लेना है, बंडल लेना है, तो बंडल है एक आईफोन 13 का, ये आईफोन 13। अच्छा, ये 13 का है, हाँ, इसका प्राइस है 7,000। हाँ, पूरा आएगा उसका ये केस और इसका लॉक, ये आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। एंटी वाइब्रेशन मॉड्यूल ये आएगा 2,000-2,099। 9,000 का टोटल, मतलब इसका प्राइस जो देखा जाए वो ऑलमोस्ट क्वाड लॉक के बराबर का ही है ना। तो एक और है ये वाला ताइची का, जो मैं इसको पहन के ट्राई किया, एक इसमें थोड़ा सा बड़ा साइज निकलवा रहा हूँ क्योंकि थर्मल के साथ में अगर पहनूंगा ना तो वो आएगा नहीं। एंड दिस इज ऑल वेदर, कभी भी पहन सकते हो, सर्दी में भी पहन सकते हो, एंड मेन चीज़ अच्छा है ये है कि वाटर प्रूफ है एंड काफ़ी लाइट वेट है यार। मतलब जब आप कभी राइड करते हो ना, अगर आप लोगों को थोड़ा सा लाइट वेट रहता है तो आप बॉडी ना जल्दी एग्जॉस्ट नहीं होती, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि लगता है कि थोड़ा सा कम गियर्स में कम वाले पैसे में इन्वेस्ट करोगे तो बेटर है, बट मतलब ज़्यादा अगर पैसा लगाते हो तो ऑब्वियसली चीज़ अच्छी मिलती है। तो इसका जो क्वालिटी है वो भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, एंड प्लस इसमें भी आई गेस वेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, अगर आप लोग खोल दोगे तो यहाँ पे देखो यहाँ वेलक्रो लगा हुआ है, इसको यहाँ से खोल के आप लोगों को यहाँ पे वेंट्स मिल जाएगा, इसको ओपन कर सकते हो, देखो मैश से हवा आएगी, तो ये भी चीज़ अच्छी है। और इसका प्राइस है 26, प्राइस भी ठीक है यार, मतलब 16 का मैंने खरीदा, मेरे को 22 का पूरा सूट पड़ा, बट इसमें अगर 26 का ये प्लस मतलब अराउंड 50 के अंदर पड़ जाता है, बट क्वालिटी अच्छी है। सो गाइस ये वाला देखो, एक ताइची का जैकेट अच्छा लगा है मेरे को, तो एडवेंचर राइडिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। मतलब यहाँ पे अगर लाइट में थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इधर पे मैश हो जाता है एंड पहनने में काफ़ी लाइट वेट है एंड क्वालिटी सुपर भी यार, मतलब पहन के पता नहीं लग रहा है कि राइडिंग जैकेट पहने, जो मेरा 16 वाला है बहुत ही ज़्यादा हैवी। ये देखो इस तरीके से है एंड काफ़ी कंफर्टेबल है पहनने में, आप लोगों का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बना रहता है। अभी इसके अंदर मैं थर्मल लाइनर पहना हूँ, तब उसके बाद में ऐसा है, बाकी ये जो मैश है यहाँ पे इधर आप लोगों का मैश आ जाता है। तो देखो अभी आप लोगों को ये तो बता दिया कि कैसे राइडिंग बूट्स सेलेक्ट करना है और एडवेंचर जैकेट जो है कौन सा अच्छा है, ताइची का मैं लिया है, मतलब आप पर्सनली फील करता हूँ, जैसा है पैसा उसके हिसाब से लगा दो। तो ये वाला फाइनल करते हैं लेके, इसका प्राइस है 26,000 एंड देखेंगे थोड़ा सा रिव्यू लॉन्ग टर्म में बनाएंगे आप लोगों को कैसा लगेगा। और इसी के साथ अगर आप लोग ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताना, इसका बिलिंग विलिंग कराते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम नदीम ब्लॉग्स, टेक केयर, बाय बाय।